सर एनसीईआरटी को बार बार पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ सर, सारा एनसीईआरटी से पढ़ता हूँ लेकिन जब क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे को याद नहीं रहता। सर कैसे एनसीईआरटी को पढ़ूं, किस तरीके से याद रखूं जिससे कि नीट में 2022 में 360 में से 360 स्कोर कर लूं। एक वीडियो डाला था स्टूडेंट हमने जिसमें मैंने आपको ये बताया कि क्यों आपके 360 में से 360 नहीं आए नीट 2021 में, क्या कारण रह गए थे, और वो सही कारण हमने उस वीडियो के अंदर बताए। और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ही लोगों ने बताया कि सर इन्हीं कारणों की वजह से हमारे 360 में से 360 नहीं आए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर के देखिए। उस वीडियो में मैंने आपको ये बोला था कि क्या आपको कला सीखनी है, आर्ट सीखना है, कि कैसे एनसीईआरटी पढ़ा जाता है और लास्ट तक उसको कैसे याद रखा जाता है। तो आपने कमेंट बॉक्स में बिल्कुल रेस्पॉन्स दिया कि सर हमें चाहिए वो वीडियो, तो ये वीडियो हम उसी रेस्पॉन्स के बेसिस पे आपके सामने लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में एनसीईआरटी पढ़े कैसे जाती है। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले जरूरत है एक प्रॉपर शेड्यूल की, और उस शेड्यूल की तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नंबर वन, आपको यह बताता रहे शेड्यूल की तारीख, कितने तारीख को शुरू होगा और कब खत्म होगा, एक तो ये बात। नंबर दो, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स मतलब 36 चैप्टर्स, बॉटनी जूलॉजी को मिला दो, 11 12 टेक्सटबुक को मिला दें, तो उनका सीक्वेंस क्या होगा पढ़ाने का, पहले कौन सा पढ़ना चाहिए फिर कौन सा पढ़ना चाहिए, नंबर दो। और नंबर तीन, चैप्टर को कितना टाइम लगेगा, एक चैप्टर को पढ़ने में कितना टाइम देना चाहिए या कितने दिन में वो पढ़ लेना चाहिए। ये तीन चीजें अगर किसी शेड्यूल के अंदर हो तो ऐसा शेड्यूल आप फॉलो करें, उसको देख करके ही एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करें। हमारे पास में शेड्यूल बना रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास में बॉटनी का शेड्यूल है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे ये बॉटनी का शेड्यूल हमने बना रखा है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि मेरे जितने भी बॉटनी के चैप्टर में आउट ऑफ 36 चैप्टर जो पढ़ाता हूं उसका एक सीक्वेंस दे रखा है, और एक चैप्टर को कितने दिन में कंप्लीट करना है, कौन से टॉपिक को पहले पढ़े उसके बाद कौन से टॉपिक को पढ़े स्प्लिट कर रखा है। इसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीटली सिंसियरली स्टिक होकर के ही एनसीईआरटी पढ़ना चालू करना है। हो गया काम। अब सर शेड्यूल हमारे पास में है और हम पढ़ना चालू कर रहे हैं, अब तरीका बताइए कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट नंबर वन, आपको एक चीज याद रखनी है, वो ये है, वॉच कंप्लीटली लाइन टू लाइन एनसीईआरटी बेस्ड टीचिंग वीडियो। अब ये सर हम कहां से देखें, या फिर क्या सर हम लाइव देख लें, तो चाहे आप लाइव देखिए चाहे रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ ही वीडियो या लाइव देखना है। अगर एनसीईआरटी के बाहर से कोई पढ़ा रहा है तो उसको नहीं देखना है, यानी कि एक ऐसा टीचर हो जो आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहा हो, मतलब चैप्टर वन पढ़ा रहा है तो उसमें एक भी लाइन एनसीईआरटी की छोड़ नहीं रहे, लाइन टू लाइन आपको पढ़ा करके बता रहे हैं। डेमो के फॉर्म में अगर आपको मैं बताऊं तो आप लोग प्रेप ऑनलाइन के ऐप के ऊपर मेरा वीडियो डला हुआ है बॉटनी का, आप देख सकते हैं। मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा हूं कि ऐसा वीडियो होना चाहिए। आपको अगर कोई और टीचर का भी दिखे कि सर हाँ हमारे टीचर भी ऐसे ही पढ़ा रहे तो उनका वीडियो देखो आप लोग, वैसा ही होना चाहिए, मतलब आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ वीडियो होना चाहिए। जैसे अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको मैं सिंपल बता दूं कि आप कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, प्रेप ऑनलाइन ऐप का लिंक दिया गया है, उस ऐप को डाउनलोड करो, उसमें अपने आप को रजिस्टर करो, और फिर जैसे ही ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा आप कोर्सेज पे क्लिक करो। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ इरादा बैच ढूंढो, इरादा बैच पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे लेक्चर्स दिखेंगे, उसमें से आप देख सकते हैं जूलॉजी के और बॉटनी के। तो अगर आप मेरा देखना चाहते हैं या जूलॉजी का देखना चाहते हैं तो आप क्लिक करके वो वीडियो देखिए, उस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि इस तरीके से पढ़ाया हुआ, मतलब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो एक एक लाइन को अंडरलाइन करके उसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, इसका मतलब आपको वो टीचर एनसीईआरटी पढ़ा रहा है। तो सबसे पहला काम हो गया, वीडियो देख लिया आपने, उस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको टीचर का वीडियो देखना जरूरी है, चाहे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो। ओके चलो सर हमने वीडियो देख लिया, अब क्या करें, अब देखो, अब नंबर दो पे आपको क्या करना है कि सेल्फ स्टडी करनी है ना। सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि हमने सर एक चैप्टर को जैसे मान लो लिविंग वर्ड दो दिन में पढ़ाया, हमने वो पूरा पढ़ लिया चैप्टर, है ना। अब हम क्या करना चाहते हैं कि उस पूरे चैप्टर को हम खुद पढ़ना चाहते हैं, या तो आप एक दिन आधा पढ़ा तो आधा टीचर ने पढ़ा दिया वीडियो देख लिया, उसके बाद उस आधे चैप्टर को क्या करो खुद रीड करो और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उसको सॉल्व कर लो, है ना। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि सर पहले मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो पहले उसके सारे चैप्टर की वीडियोस देख लो या उनका लाइव देख लो, उसके बाद में खुद पूरे चैप्टर को अकेले एनसीईआरटी से पूरी एनसीईआरटी को पढ़ डालो, उस चैप्टर को एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी से अपने आप से खुद को रंगीन करके जो इंपॉर्टेंट सर ने बताए वीडियो में ऐसे उसको रीड कर लो। अब आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट, अगर आपको पढ़ते टाइम पे डाउट आया तो वीडियो देख लो जाकर के वापस कि सर ने क्या बताया था। तो ऐसे करके आपने क्या करा, उस चैप्टर को कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ लिया, मतलब उसमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है, क्या कंसेप्ट बताए गए हैं, वो सब समझ में आ गए और एक एक लाइन आपके आंखों के नीचे से निकल गई। अब क्या करें सर, अब आप कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड एमसीक्यूज की पूरे चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखो नंबर तीन पॉइंट मैंने लिख के दिया है आपको यहां पे,
सॉल्व कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज, चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद चैप्टर वाइज, मतलब एक पूरा चैप्टर का सारा एमसीक्यूज दिया हुआ हो वो सॉल्व कर सकते हैं, या बीच बीच में टॉपिक वाइज है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। बात इंपॉर्टेंट ये है कि एनसीईआरटी ओरिएंटेड होना चाहिए, एमसीक्यू आउट ऑफ एनसीईआरटी वर्ड आया छोड़ दो, आपका एक्सरसाइज ही ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। और स्पेशली बता दूं हमारे ऐप के ऊपर जो हमने एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही आपके पास में एक्सरसाइज डाल रखी है जो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, आप कहीं से भी सॉल्व करें लेकिन होनी एनसीईआरटी ओरिएंटेड चाहिए, ये आर्ट है, ये आर्ट में शामिल है। ओके चलो सर हो गया। अब सर एक बात बताओ, जब हमने वीडियो एनसीईआरटी ओरिएंटेड देख लिया, हमने खुद ने एनसीईआरटी हमारे हाथों से उठा करके हमारी आंखों से पढ़ डाली, उसके डाउट क्लियर कर डाले जो भी अंदर लिखे हुए थे वो, अब उससे ही ओरिएंटेड उस पे ही बेस्ड एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे तो सर हमें आना चाहिए, हमारी मेमोरी इतनी तो है, हो सकता है कि भूल गए तो आपको वो एमसीक्यू में प्रॉब्लम आएगी, डाउट आएगा, तो आप वापस या तो एनसीईआरटी पढ़ लो या वो टीचर का वीडियो देख लो जा करके, जिससे कि आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है, आपका अगर डाउट क्लियर नहीं होता है तो आपका जो मेंटर है उसके थ्रू आप पूछ सकते हो, जैसे हमारे पास में सुविधा है कि हमने टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है स्टूडेंट्स को, तो वो हमारे डाउट्स जो होते हैं उनके डाउट्स जो होते हैं वो हमको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं, जब उनको कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड डाउट भी नहीं आते, हो सकता है नहीं आते, तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं। और वैसे 90% स्टूडेंट के डाउट जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है वो खुद से ही सॉल्व हो जाते हैं, वो वीडियो देख करके और खुद की पढ़ी हुई एनसीईआरटी को वापस देखेंगे, याद आ जाएगा, डाउट सॉल्व हो जाएगा। चलो सर ये हो गया, अब क्या करें, अब इसके बाद नंबर 5 पॉइंट, रिवाइज करने का टाइम आ गया। मैंने चैप्टर पढ़ डाला, सब कुछ हो गया, मतलब मेरा चैप्टर फिक्स हो गया सर, ठप्पा लग गया चैप्टर 1 के ऊपर। अब जब कभी टेस्ट होगा, अगर मेरे को टेस्ट देने की बारी आएगी या फिर कभी फ्यूचर में कुछ टाइम बाद में मेरे को वापस रिवाइज करना होगा तो मैं कैसे करूं, तो आपको रिवीजन करने के लिए उठानी है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और लाइन बाय लाइन चैप्टर का स्टार्टिंग वाले वर्ड से लेकर के लास्ट वर्ड तक उसको पढ़ते रहना है। क्योंकि आपने टीचर का वीडियो देखा था वो भी लाइन बाय लाइन था, आपने खुद ने लाइन बाय लाइन पढ़ी थी, आपने एनसीईआरटी ओरिएंटेड एमसीक्यू से उसको फिक्स भी कर लिया था, आपके डाउट भी क्लियर हो गए थे, जब आप रिवाइज करोगे वापस लाइन बाय लाइन तो आपका एक भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, आपको क्विकली वो चैप्टर जो है वो फटाफट आपकी आंखों से नीचे से निकलता जाएगा और आपको खुद को पता नहीं लगेगा कि मैंने कितना जल्दी चैप्टर पढ़ डाला और आपकी मेमोरी वापस बूस्ट हो गई उस चैप्टर को लेकर के। ओके अब उसका उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टेस्ट है वो दीजिए आप लोग, आप देखेंगे कि आपके 100% मार्क्स आएंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके उस चैप्टर से आया हुआ हो और आपको नहीं आ रहा हो। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आप टेस्ट दे रहे हो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड होने चाहिए, अगर वैसा टेस्ट पेपर आप देते हो तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। और ये टेस्ट हमारे शेड्यूल के अंदर डाल रखे हैं हम लोगों ने और हम टेस्ट कंप्लीटली एनसीईआरटी ओरिएंटेड लेते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम प्रिपरेशन ही एनसीईआरटी ओरिएंटेड करवाते हैं। अगर इस तरीके की प्रिपरेशन होगी, ऐसे अगर आप हर चैप्टर को पढ़ोगे और कंप्लीट एनसीईआरटी कर लोगे तो मेरा वादा है और ये गारंटी भी है कि आपके नीट 2022 में 360 में से 360 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टूडेंट्स अभी से शुरुआत कर दीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कर दीजिए और अगर कोई बात बोलनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए और अपनी प्रिपरेशन को अभी से शुरुआत कर दीजिए, नीट 2022 में डॉक्टर बनके दिखाइए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।